तुम्हारे परिवार के कितने लोग भीख मांगते हैं? बहुत सारा मांगता दीदी, पूरा राजस्थान मांगता है। पूरा राजस्थान मांगता है किसी? और ऐसे कमा के कोई नहीं खाता? कोई भी नहीं खाता दीदी। कहाँ कहाँ जाते हो आप लोग? मैं भी दिल्ली भी निकल जाता हूँ, मुंबई निकल जाता हूँ, और पंजाब निकल जाता हूँ, इधर चेन्नई निकल जाता हूँ, मद्रास में निकल जाता हूँ, जगह जगह वो कहता हूँ दीदी। मैं कितनी कमाई हो जाती है? एक दिन में 2,000-3,000 बैठा लेता हूँ दीदी। दिन के 2-3 हज़ार रुपये, ये रकम सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। ये एक भिखारन दिन के 2-3 हज़ार रुपये कमा रही है। इतना ही नहीं, दावा तो ये किया जा रहा है कि इस महिला ने पिछले 45 दिनों के अंदर 2.5 लाख रुपये भीख मांग कर बटोर लिए। इतना ही नहीं, ये महिला अपने छोटे छोटे बच्चों से भी भीख मंगवाने में कोई झिझक महसूस नहीं करती। जब इस महिला से पूछताछ की गई तो ये रोने लगी और कहने लगी पेट पालने के लिए भीख मांगती है। बड़ा वाला तो ये है दीदी, दीदी छोड़ ना मेरी। आपको क्या लगता है कि भीख मांगना अच्छी चीज है कि खराब? नहीं दीदी, अच्छी बात नहीं है दीदी। तो फिर क्यों मांगते हो? पेट के लिए करना दीदी। आप पैर सलामत है या नहीं? सलामत है दीदी। फिर कोई काम नहीं कर सकते हो आप? कोई काम नहीं कर सकते हो दीदी? मेरे भी और पैसे नहीं हो रहा, मेरे से क्या, मेरे घर वालों को और पैसे नहीं हो रहा, कैसे कैसे बच्चे को पाल सकती हूँ मैं? तो भीख मांगने में मेहनत नहीं लगती? काम कर सकती हूँ दीदी, मैं क्या करूँ? तो क्यों नहीं करती काम? हमने रेस्क्यू की है लवकुश चौराहे से। पिछले 8 वर्षों से वो इंदौर में लवकुश चौराहे पर ही भिक्षावृत्ति में लिप्त है। और सिर्फ वही नहीं, उसके पति, बहन, जीजा और उसके गांव कलमांडा जो राजस्थान 12 जिला है, वहां से लगभग 150 लोग आकर इसी क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। और इस पर उसकी अमानवीयता देखिए, जिस उम्र में बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए वो अपने 3 बच्चों से भी भीख मंगवा रही है। हमने उसको रेस्क्यू किया जहाँ पर उसके 2 बच्चे को लेकर, उसका पति तो भाग गया, बाकी लोग भी भाग गए, लेकिन महिला अपनी एक बेटी, 8 वर्षीय बेटी के साथ में पकड़ाई। और आप जानकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होंगे कि 7 दिन के भीतर उसने 19,200 रुपये भिक्षावृत्ति से जुटाए और लगभग 45 दिन में वो 2.5 लाख रुपए भिक्षावृत्ति से कमा चुकी है, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने उसके गांव में सास ससुर के पास भेजे, 50,000 रुपए उसने उसके खाते में डाले और 50,000 रुपए की सबसे छोटे बेटे के नाम पर FD कराई और 50,000 रुपए उसने अपने यहाँ के खर्चे के लिए रखे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापार भिक्षावृत्ति का इंदौर शहर में चल रहा है। कहाँ से आए थे, प्रारंभिक पूछताछ में किस तरह से जो है इनकी जानकारी निकल के आई? देखिए, ये महिला को हमने पिछले साल भी हमने इसको पकड़ा भी था और समझाया भी था, तब ये बैसाखी लेकर झूठा लंगड़ेपन का नाटक करते हुए पकड़ाई थी। और जैसे इसकी बैसाखी पकड़ी हमने, ये दौड़कर मतलब भाग गई थी ये। तो ये समझ सकते हैं कि कई तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं लोगों की संवेदनाओं का और इमोशंस का फ़ायदा उठाने के लिए। और ऐसी कार्यवाही में हमें पता चला कि ये राजस्थान के दूर इलाकों से इस तरह के लोग जो है वो भिक्षावृत्ति करने आते हैं, जबकि इनके पास वहाँ पर ज़मीनें भी हैं, पक्के मकान हैं खुद के और सारी सुख सुविधाएँ इन्हें वहाँ से दे रखी है, जिस तरह से एक कार्ड पर राशन कार्ड इनके बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदतन भीख मांगना इनकी प्रवृत्ति हो चुकी है। आपको बता दें, इस महिला को परवेश नाम की संस्था ने पकड़ा, इसके बच्चों को CWC के हवाले कर दिया, वहीं महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिए गए। महिलाओं की रेस्क्यू जो किया गया था, उनके द्वारा खबर मिली थी, पुलिस को खबर दी गई थी, तो पुलिस के द्वारा इसको थाने लाया गया और उससे पूछताछ की गई, जो काफी आक्रोशित होने लगी, जिसको धारा 151-116 जाप्ता फौजदारी कार्रवाई कर श्रीमान ACP महोदय हीरानगर समक्ष पेश किया गया, जिनके द्वारा इसको जेल भेजा गया है। सर, क्या प्रारंभिक पूछताछ में क्या सामने आया है? प्रारंभिक पूछताछ में ये आया है कि ये इसने 7 दिन के अंदर लगभग 19,000 रुपए के आसपास इसने भिक्षावृत्ति में कमाया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं ये लोग? मूल रूप से जानकारी ये मिली कि राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लवकुश चौराहे के ऊपर डेरा डालकर वहीं पर रह रहे हैं। और पिछले लंबे काफ़ी समय से वहाँ पर ये रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर उनको किन प्रकरणों में जो इनका अपराध दर्ज किया गया है और अभी?
इसके खिलाफ अभी धारा 151, 116 जब्ता फौजदारी कार्रवाई का इसको श्रीमान ए सी बी महोदय के न्यायालय पेश किया गया हीरानगर, जिनके द्वारा इसको जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसे कई भिखारी गिरोह हैं। बताया जा रहा है कि ये भिखारी राजस्थान से आते हैं और यहाँ गिरोह बनाकर भीख मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। कहाँ कहाँ जाते हो आप लोग? मैं दिल्ली निकल जाता हूँ, मुंबई निकल जाता हूँ।